हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे आईपीएससी रूल्स के अनुसार कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है, जिसमें हम लोगों ने 10 रूल्स पढ़े हुए थे आईपीएससी का, और उसी का फॉलो करके जो है सो हम लोगों ने नामकरण सीखा हुआ था कुछ एग्जांपल के जरिए प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का आईपीएससी नोमेनक्लेचर, कि अगर बहुत ही जटिल ब्रांच दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होता है? जटिल शाखा, इसको हिंदी से अगर हम लोग बोले तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच उपस्थित हो, और ब्रांच में फिर से ब्रांच हो, अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें ब्रांच है और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। तो अगर इस तरह से है तो किस तरह से उसका नामकरण किया जाता है और वैसे रूल्स के अनुसार देखेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का, और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। CH3, CH2, CH2, CH, कार्बन, CH3, CH2, CH3, यह हो गया। उसी तरह से CH2 कुछ इस तरह से आपका जो है एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। यहां पर एक CH3 जोड़ देते हैं। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है उन सब रूलों का इसमें भी फॉलो करें। क्या था पहला रूल? कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सबसे पहले फाइंड करें, काउंट कर लेते हैं कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अगर इधर से हम लोग जाते हैं तो 7 कार्बन एटम होता है, अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं तो 8 कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर यहां से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हम लोगों को दो तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हो सकता है। एक तो अगर यहां से स्टार्ट करें तो 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त होता है, एक यहां से स्टार्ट करें तो 8 कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त होता है। तो दोनों को हम लोग ले देते हैं, घेर देते हैं इसको, और फिर समझते हैं कि दोनों में से किसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओरिजिनल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना जाएगा, किसको ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। देखते हैं, अगर हम लोग यहां से जो स्टार्ट किए हुए थे और इसको अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानते हैं तो इसमें कितने ब्रांचेस छूटते हैं? सबसे पहले देखो तो एक ब्रांच यहां पर छूटेगा CH3 के रूप में, और एक ब्रांच यहां पे छूटेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें 2 है अगर हम लोग स्ट्रेट कार्बन के चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और एक तरीका से जो हम लोग को प्राप्त हुआ यहां से, कि यहां से अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग मान ले तो हम लोगों को कितने ब्रांचेस छूटते हैं, सो देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग ब्रांचेस देखें
तो यहां पर भी एक आपका CH3 छूट रहा है और यहां पर भी एक आपका यहां से लेकर टोटल यहां तक का आपका एक ब्रांच छूट रहा है, दो ब्रांच, दोनों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो इस तरह के कंडीशन हम लोग किसको मानेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो अब देखेंगे पोजीशन ऑफ ब्रांचेस को, पोजीशन ऑफ ब्रांच किसमें नजदीक आ रहा है। इसमें अगर पोजीशन ऑफ ब्रांच देखेंगे तो 1, 2, 3 तीसरा पोजीशन मान आपका CH3, जबकि अगर यहां से हम लोग देखते तो 1, 2 सेकेंड पोजिशन मान आपका CH3। तो हम लोगों ने यह भी IPSC रूल्स पढ़ा हुआ है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसी को मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो और ब्रांचेस सामने आना चाहिए, ब्रांचेस का जो पोजीशन नंबर क्या होना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको ना मानकर पहले वाले जो हम लोगों ने लिया था उसी को मानेंगे, क्योंकि पहले वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ब्रांचेस का पोजीशन जो है सो सामने आता है, तो सामने आता है इसको जो है सो हटा देते हैं, तो मेरा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा स्ट्रेट कार्बन को मानेंगे जो कि पहले हम लोगों ने देखा हुआ था। तो यह हो गया आपका एक ब्रांच टोटल, यह हो गया और टोटल जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया इसको हम लोगों ने माना था स्ट्रेट में कुछ इस तरह से, या अगर स्ट्रेट कार्बन के चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माने कुछ इस तरह से। अब इसका नंबरिंग करते हैं, किधर से नंबरिंग किया जाए कार्बन एटम्स को। तो नंबरिंग करने के लिए एक रूल बताए थे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांचेस सामने हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ब्रांच जो है सेकंड पोजीशन में ही आ जाता है, लेकिन हम लोग अगर राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो ब्रांच इस कार्बन एटम से बहुत ही दूर है ना, तो ब्रांचेस नजदीक आना चाहिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग मानेंगे उधर से और नंबरिंग भी करेंगे। तो लिखेंगे ब्रांचेस का पोजीशन, नंबरिंग इधर से करेंगे तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह हो गया मेरा दो ब्रांच छोटा हुआ। अब क्या करेंगे, एक एक करके सभी ब्रांच का और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे, और नोमेनक्लेचर का रूल अभी भी सिमिलर है। क्या है नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल, तो बेसिक रूल में हम लोगों ने देखा हुआ था कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते थे, फिर लिखते थे वर्ड रूट, फिर हम लोग लिखते थे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के जगह पर हम लोग लिखते थे AME। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अल्केन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया हुआ है अभी। अब जो है इसे एक एक करके नामकरण करते हैं, तो ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और सेकेंड कार्बन में एक CH3 का ग्रुप प्रेजेंट है। तो ब्रांच का नोमेनक्लेचर का क्या रूल था, उसका पोजीशन तो पहले लिखेंगे, इसका पोजीशन पहले लिखेंगे हो जाएगा 2, फिर हम लोग यहां पर देंगे है ना हाइफेन, उसके बाद CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो लिख देंगे 2 मिथाइल। यह एक आरपीसी रूल ही है, जब भी वर्ड और डिजिट लिखा जाए तो बीच में हाइफेन देते हैं हम लोग, इसका नाम हो गया पोजीशन के साथ। अब इसका इस ब्रांच का नेमिंग करते हैं, अब इस ब्रांच का नेमिंग देखोगे तो यहां जो पोजीशन क्या है 4 है, तो पोजीशन 4 देंगे, हाइफेन देंगे। उसके बाद इसमें अगर देखोगे तो यह जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का यह कार्बन और इससे जो है सो कार्बन दो तरह से अटैच है, एक तो यह स्ट्रेट चेन और एक उसके बगैर में इस तरह से जुड़ा हुआ। और अभी हम लोगों ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसे कहते हैं, तो अगर ब्रांच में ब्रांच उपस्थित रहे तो उसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। इसी तरह से चौथा कार्बन दिख रहा है कि तीन कार्बन एटम सीधे प्रेजेंट है और उसी में एक कार्बन एटम बगल में भी उपस्थित है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रांच में ब्रांच जब रहे इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रांच में अगर ब्रांच हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को तो सबसे पहले इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे सिर्फ ब्रांच के कार्बन एटम। और अगर इस तरह से प्रेजेंट है ब्रांच टू ब्रांच तो पुनः उस ब्रांच का नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लॉन्गेस्ट चेन मेरा उपस्थित होगा। तो
तो नंबर किस कार्बन से होगा, तो यह हो जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन, यह हो जाएगा सेकंड कार्बन, यह हो जाएगा थर्ड कार्बन, एंड यह हो गया ब्रांच। और ब्रांच पे वन पोजीशन पे जो है सो एक फर्दर ब्रांच है सी एच थ्री का, तो ब्रांच पे ब्रांच प्रेजेंट है, तो यह किस तरह का ब्रांच होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, दैट मींस कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग जो है सो हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, इसलिए पहले पोजीशन दिए, पोजीशन के बाद क्या दिए हाइफेन, उसके बाद ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर ब्रांच का कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नोमेनक्लेचर करेंगे। अब रूल क्या है, प्रीफिक्स, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी रूल सेम रहेगा, पहले प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद यह जो ओरिजिनल मेरा ब्रांच में ब्रांच है उसको देखेंगे। तो इस ब्रांच के फर्स्ट कार्बन में CH3 ग्रुप है, तो इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का पोजीशन क्या है 1, तो पोजीशन देना ना भूले, 1 हो गया। CH3 का क्या नाम होता है, मिथाइल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल, कुछ इस तरह से। इसमें यह हो गया ब्रांच में ब्रांच का नाम। अब इसमें जो है सो यह ब्रांच कितने कार्बन एटम का था, 3 कार्बन एटम, और 3 कार्बन एटम का हम लोग नोमेनक्लेचर क्या करते हैं अल्काइल ग्रुप में, तो लिखते हैं प्रोपाइल, क्या लिखते हैं प्रोपाइल, तो यह हो गया इसका टोटल नाम, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का टोटल नाम क्या हो जाएगा, तो 1-methylpropyl, 1-methylpropyl। किसी के माइंड में आ रहा होगा सर यहां पर प्रोपाइल क्यों लिखे, प्रोपेन क्यों नहीं लिखे, ANE क्यों नहीं लिखे, ANE इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन से नहीं, या ब्रांच का लॉन्गेस्ट कार्बन से है ना, या पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मेरा ब्रांच का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जो कि अल्काइल के रूप में नेमिंग किया जाता है, इसलिए यहां पर प्रोपाइल लिखा गया है ना कि प्रोपेन लिखा गया है। तो यह हो गया दोनों का नेमिंग, एक तो सिंपल ब्रांच था 2-methyl नाम हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच था जिसमें ब्रांच में ब्रांच दिया था, तो जब भी ब्रांचिंग में ब्रांच दिया हो तो ब्रांचिंग में ब्रांच को नेमिंग करने के लिए इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे, और उसमें जो ब्रांच होगा उसको पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया है, एक मिथाइल ग्रुप था फर्स्ट कार्बन में ब्रांच के, तो 1-methyl हो गया, और चूंकि यह ब्रांच 3 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रखता है इसलिए इसका नाम प्रोपाइल हो गया। उसके बाद यह हो गया आपका दोनों ब्रांच का, ब्रांच के नेमिंग के बाद देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना कार्बन एटम का है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 कार्बन एटम का है, तो 8 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, ऑक्स सीखा हुआ है, ओ सी टी। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ऐड करते हैं, तो अल्केन है, तो अल्केन के लिए क्या जोड़ेंगे, एएनए, क्या नाम हो गया, ऑक्टेन। अब हम लोगों ने ब्रांच का भी नेमिंग कर लिया और नेमिंग कर दिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी, अब हम लोग इस बेसिक रूल का फॉलो करेंगे। सबसे पहले किसको नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है, ब्रांच को, तो सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग करेंगे, और ब्रांच में भी देखेंगे कि क्या दोनों ब्रांच सेम है कि अलग अलग है, तो दोनों ब्रांच तो अलग अलग था, एक सिंपल ब्रांच था एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच था, तो जब अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं कि दोनों ब्रांच का फर्स्ट लेटर देखेंगे, पहला एम है और दूसरा ब्रांच का भी पहला लेटर नाम में एम है, सेकेंड फिर देखेंगे ई है, इसमें भी सेकेंड देखेंगे ई है, यानी टोटल इसका जो फर्स्ट का नाम है मिथाइल और यहाँ पर भी टोटल फर्स्ट का नाम क्या है मिथाइल, तब क्या होगा, तो देखेंगे कि क्या किसी एक ब्रांच में मिथाइल के बाद भी लेटर है, तो हाँ इसमें पी है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब यह फर्स्ट में लिखा जाएगा, यह ध्यान में रखना है कि जब भी किसी ब्रांच में दो ब्रांच में इस तरह से कंफ्यूजन हो कि दोनों का फर्स्ट वर्ड ही सिमिलर हो तो सेकेंड वर्ड देखेंगे, अगर सेकेंड वर्ड में फर्स्ट लेटर किसी में उपस्थित हो जबकि किसी ब्रांच में सेकेंड वर्ड उपस्थित ही ना हो तो उसके फर्स्ट वर्ड देखेंगे इसमें पी है जबकि यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब इसका प्रायोरिटी वन होगा, उसके बाद इसको लिखा जाए, तो अब नेमिंग दोनों को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यह हो जाएगा फर्स्ट पोजिशन, यह हो जाएगा सेकेंड पोजिशन, तो लिखते हैं इसका नाम हो जाएगा 2-methyl, उसके बाद क्या हो जाएगा 4-bracket, उसके बाद 1-methyl, और 1-methyl के साथ क्या है प्रोपाइल, तो 1-methyl प्रोपाइल,
ब्रैकेट क्लोज या उनका प्रीफिक्स करना। व्हाट रूट में हम लोगों ने देखा आठ कार्बोनेटम के लिए ऑक्ट लिखे हुए थे, तो साथ में आप लिखेंगे ओ सी टी, ऑक्ट हो गया। उसके बाद चूंकि अल्केन है और अल्केन के लिए प्राइमरी को सफिक्स में एन ई लिखते हैं, इसमें जोड़ देंगे ए एन ई, कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका नोमेनक्लेचर का रूल फॉर कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या क्या करना है, तो जो हम लोग बेसिक रूल पढ़े हैं उसका तो ध्यान में रखना ही है, उसके बाद जो आरबीसी रूल पढ़े हैं वही रूल को फॉलो करना है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर हो तो सबसे पहले पोजिशन लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के नेमिंग करने के लिए उसमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानते हैं और फिर वही रूल कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानकर उसमें जो ब्रांच है उसका पहले नाम और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यह नोमेनक्लेचर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच, है ना। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच दो या दो से ज्यादा उपस्थित रहेगा तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा।